नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जिस तरीके से बिहार बीजेपी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तमाम तरीके की सामाजिक कार्य की जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तमाम बातें जो हैं वो कही गई थी, उसके अनुसार बिहार बीजेपी लगातार काम भी कर रही है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ मैं, और आपको बता दें कि रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया जा रहा है, ताकि जिनको जब रक्त का ज़रूरत हो तो उनको समय पे मिल जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग भी पहुँचे हैं यहाँ पर रक्तदान करने के लिए, पहले से मौजूद हैं यहाँ पर। इस तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से लोग जो हैं वो पहले से मौजूद हैं यहाँ पर, बेड पे पड़े हैं, रक्तदान करने के लिए आए हैं। आप भी रक्तदान करने आए हैं जी? कैसा लग रहा है रक्तदान कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं? रक्तदान महादान है, और ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा रक्त किसी के काम आए, और यही हमारा मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे सेवा ही समर्पण हम लोग का प्रमुख चीज़ है, और उसमें हम लोग अपने रक्त को दान देने में सबसे बड़ी खुशी अनुभूति हो रही है। सेवा समर्पण के लिए रक्तदान दे रहे थे लोग? हाँ, लोगों के लिए हम लोग को सेवा करना ही सबसे बड़ा सेवा ही समर्पण के अंतर्गत है देश के प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए पूरी आज जान न्यौछावर के लिए बोले तो जान न्यौछावर के लिए हम लोग तैयार हैं। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ये लोग जो है रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का इनको मौका मिला। और भी कुछ लोग हैं रक्तदान, आप भी रक्तदान करने पहुँचे हैं? जी जी, हम लोग महसूस कर रहे हैं अभी तो दिए नहीं हैं, देने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये रक्त किसी के काम आए इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं होती, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग ये रक्त देते हैं इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इतना स्नेह है कि आप रक्तदान भी कर रहे? प्रधानमंत्री के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रधानमंत्री मिलना हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, और हम लोग युवा मोर्चा से हैं और हमेशा देते हैं और देते रहेंगे। कितने लोग लगभग इस रक्तदान में भाग ले रहे हैं? इसमें 100 से ऊपर की संख्या है हम लोगों की, मगर 71वां जन्मदिन है, हम लोग 71वां रक्त देंगे, मगर हम लोग की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा संख्या में हम लोग हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है लोग? हम लोग आज सेवा समर्पण के तहत आज देश के सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का आज जो 71वें जन्मदिन शुभ अवसर पर हम पटना महानगर की ओर से रक्तदान महादान करने का आयोजन किए हैं प्रदेश कार्यालय में, और हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी हो, दीर्घायु हो, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। लोग कैसे भाग ले रहे हैं? लोग सब मंडलों से आ रहे हैं, सब जगह से सूचना है, सब मंडल से सब आ रहे हैं, सब समय पर आएंगे, सब बुकिंग हो रहा है, सब अपना फॉर्म भर रहे हैं, और सब स्वेच्छा से रक्तदान महादान दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग व्यवस्था किए हैं, जूस की व्यवस्था किए हैं, मीठा रसगुल्ला की व्यवस्था किए हैं, सब कुछ व्यवस्था, रेड क्रॉस की रेड सोसाइटी से आए हुए हैं सब लोग, वो लोग आके सब दे रहे हैं। जरूरतमंदों को रख दिया जाएगा? हाँ, ये हम लोग का सोच है कि हम लोग जो जरूरतमंद होंगे उनको हम लोग मदद करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तरफ से 71 यूनिट जी जी 71 यूनिट प्लस हम लोग का ये अभियान है माननीय 71 यूनिट ही क्यों देना है? 71 वर्ष उनका पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इतना स्नेह की लोग रक्तदान करने को जी, प्रधानमंत्री के लिए इतना स्नेह की लोग रक्तदान करने को। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और विश्व गुरु पे गुरु के रूप में भारत को जो प्रतिबिंबित किए हैं वो उनसे बेहतरीन आज तक अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अटल जी भी थे और इंदिरा गांधी जी भी थी, बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन इनका एक अलग स्थान है। इन्होंने हर जगह हर मंच पे भारत का नाम रोशन किया है, और आगे भी आशा करते हैं कि वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो तस्वीरें हम आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे थे, जहाँ सेवा और समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया है। लोग इसमें रक्तदान कर रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त जो है वो मिल सके। हम तस्वीरें तमाम तस्वीरें आप तक अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।